रिपल वर्कशॉप चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास LG का स्प्लिट एयर कंडीशनर का PCB आया है, एक नॉन इन्वर्टर PCB है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसका पूरी तरह से डेड है। अब ये डेड क्यों हुआ है और इसको कैसे सही करना है के बारे में अब देखते हैं। तो इसके पहले हमको इसका लाइन देना पड़ेगा और लाइन देने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप, हमारा फेस हो गया है और ये हमारा न्यूट्रल हो गया है, तो इसको हम ट्रैक करते जाते हैं लाइन कहाँ तक आ रहा है और कहाँ पे दिक्कत है करके देखते हैं। तो अब हम इसको लाइन दे देते हैं। लाइन देने के बाद हम मल्टीमीटर को AC वोल्टेज रेंज में रख लेते हैं। तो पहले हमको फेस और न्यूट्रल चेक करना है। तो हमारे फेस और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज देखा जाए 237 आ रहा। तो अब हम सर्किट को धीरे धीरे फॉलो करके जाते हैं। तो यहाँ पे एक यहाँ तक आ रहा है, 240 है। फिर इसके बाद रेक्टिफायर हो जाता है। तो रेक्टिफायर होने के बाद हम अपना जो रेंज है DC में रख लेते हैं, DC वोल्टेज में। और रेक्टिफायर होने के बाद जो फिल्टर कैपेसिटर है उसके ऊपर रखते हैं। इसका आके वोल्टेज आके 450 वोल्ट है, पर इस पर सप्लाई देखा जाए तो नहीं आ रहा है। इस पर सप्लाई नहीं आ रहा है, तो ये फिल्टर के पास तक आने वाला सर ट्रैक को हम लोग देखते हैं कि उसके पहले हमको लाइन को बंद कर देते हैं और हम ट्रेस करते हैं कि यहाँ तक क्यों नहीं आ रहा है, उसके बीच में क्या क्या कंपोनेंट्स है करके। तो हम इसको पहले ओम्स रेंज में रख लेते हैं, मल्टीमीटर को ओम्स रेंज में रख लिया। तो देखा जाए तो ये मोटा वाला एक फ्यूज दिया हुआ है, रेसिस्टेंस फ्यूज है। ये ओपन दिखा रहा है। इसका वैल्यू आपको 300 ओम्स का है, पर इसमें आके मेगा ओम्स में दिखा रहा है। कुछ भी नहीं दिखा रहा है, देखा जाए तो मेगा ओम्स में दिखा रहा है। निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ये रेसिस्टेंस आके ओपन हो गया है। तो हम टेस्टिंग पर्पस के लिए एक पतला सा एक वायर से शॉर्ट करके भी देख सकते हैं इसको। तो दोस्तों हम एक पतला सा एक वायर से दोनों को शॉर्ट कर देते हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों, तो हम इस जगह पे एक पतला सा एक वायर से दोनों को शॉर्ट कर दें हैं, इस रेसिस्टेंस को बाहर निकाल दिया है। तो हम सीरीज को फिर से चालू कर देते हैं, सीरीज दे देते हैं इसको। तो देखा जाए तो हमारा PCB शॉर्ट दिखा रहा है, मतलब वो आगे शॉर्ट होने के कारण आके आपका रेसिस्टेंस है जो ओपन हो चुका था। तो देखते हैं आके शॉर्ट होने की क्या क्या वजह है, क्यों शॉर्ट हुआ है। तो यहाँ से अगला देखा जाए तो आपको फिल्टर कैपेसिटर में जाता है जो कि 450 वोल्ट का है, 450 10U का है। उसके बाद इसमें से इस IC को जाता है। तो IC को एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं। हम अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड में रख के चेक कर लेते हैं। देखा जाए तो IC हमारा शॉर्ट दिखा रहा है, इसके कारण हमारा सीरीज का जो बल्ब है पूरा ब्राइट जल रहा था। तो इस IC को बदल देते हैं। इस IC का नंबर है TNY276PN और साथ में इस फिल्टर कैपेसिटर को भी बदलना पड़ेगा। ये भी बहुत वीक हो गया क्योंकि जब हम इस पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो 215 ही दिखा रहा है, जबकि इसको कम से कम
300 के करीब होना चाहिए। ठीक है, इस आईसी को निकाल दिया। एक बार इस फिल्टर कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो हम डीसी वोल्टेज रेंज में रख लेते हैं। तो देखा जाए तो 200 नहीं आ रहा है, तो यानी कि फिल्टर कैपेसिटर को भी बदलना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम इस पावर आईसी को निकालने के बाद देखा जाए तो इसमें चार्ज रहता है। अगर ये कैपेसिटर सही है तो इस जगह पे आपको चार्ज रहना चाहिए, पर देखा जाए चार्ज बिल्कुल नहीं है। तो इस कैपेसिटर को और आईसी को बदल देते हैं। ये हमारा पुराना कैपेसिटर है, 500 वोल्ट और 10 UF का है। इसको हम मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लेते हैं। यह हमारा कैपेसिटर चेक करने के लिए है। देखा जाए तो नैनो फैरड लिखा हुआ है, यानी कैपेसिटर चेक करने का मोड है ये। तो आपको जो ये नेगेटिव का सिंबल है उसमें नेगेटिव प्रोब रख लो, और पॉजिटिव को पॉजिटिव प्रोब में रखेंगे तो आपको 10 MFT का वैल्यू आना चाहिए। और देखा जाए तो इतना देर रख के भी इसका वैल्यू नहीं आ रहा है, यानी कि ये कैपेसिटर ख़राब हो गया है। अब इसको भी बदल देते हैं। कैपेसिटर ले लिए हैं, हमारे पास 500 वोल्ट का नहीं है, 450 का है, तो 450 का ही लगा लेते हैं। लगाने के पहले इसका पोलैरिटी चेक करके लगाने का है, नहीं तो सर्किट में दिक्कत हो सकता है। जैसे ये वाइट मार्किंग है वहाँ पर आपको नेगेटिव देने का है, और कैपेसिटर में भी वाइट मार्किंग है, तो वाइट को वाइट में बैठा देने का है। अब हम इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। अब हम कैपेसिटर को सोल्डरिंग कर रहे हैं, एक बार वोल्टेज चेक करके देख लेते हैं कितना बन रहा है करके। तो हम लाइन चालू कर दिए हैं और अपने मल्टीमीटर को हम डीसी वोल्टेज रेंज में रख लिए हैं। तो देखा जाए तो अब हमारा वोल्टेज आके 318 के करीब बन रहा है। और खराब वाले कैपेसिटर में देखा जाए तो जो इनपुट वोल्टेज है वो सेम ऐसी बन रहा था, 218 210 कुछ बन रहा था। अब इस कंडीशन में देखा जाए तो इस कैपेसिटर में चार्ज होता है, देखे तो आपको स्पार्क आया, यानी कि यही कैपेसिटर अच्छा होने का लक्षण है। ऐसे अगर आपका शॉर्ट होने के बाद स्पार्क आता है तो आपका कैपेसिटर एकदम परफेक्ट है। अब अगला हम आईसी को चेंज करने का है। अब हम इस पर एक नया आईसी लगा देते हैं। कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के बाद ही आपको लगाने का है, वरना आईसी खराब हो सकता है। इस पे हम आईसी लगा लिए हैं। अब एक बार इस पीसीबी को चालू कर लेते हैं, क्योंकि जो जो कंप्लेंट था हम सारे को बदल दिए हैं। अब चालू करके देख सकते हैं, शॉर्ट भी नहीं होगा। अब तो हमारा पीसीबी चालू हो गया है, यानी कि कैपेसिटर और जो रेसिस्टेंस था 300 ओम्स का वो ख़राब हो गया था, इसके कारण आपका ये प्रॉब्लम आ रहा था। अब हम ऑन कर देते हैं। इसका मोटर भी एक बार लगा के चेक कर लेते हैं, और कंप्रेसर के लिए आउटपुट आ रहा है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारा मोटर चालू हो गया, यानी कि मोटर का लाइन आ रहा है, डिस्प्ले भी हो गया। अब एक बार इसका आउटपुट आ रहा है कि देख लेते हैं। यह हमारा फेस इनपुट है और यह हमारा आउटपुट में अभी नहीं आया है। इस पीसीबी में हम कॉइल सेंसर है, रूम सेंसर है, उसको एक बार निकाल के देखते हैं क्या एरर आता है करके। तो इस मॉडल में देखा तो आपको दोनों एक ही जैक में है। अब हम कॉइल सेंसर और रूम सेंसर दोनों सेंसर को निकाल दें, देखते हैं क्या एरर आता है। देखा जाए तो यहाँ पे एरर का एक सिंबल आ रहा है,
ये वाला ब्लिंक हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा आउटपुट आके नहीं आएगा। तो ऐसे कंडीशन हो तो आप दोनों सेंसर को एक बार चेक कर लें कि LG के बाकी मॉडल में जैसे कि एरर्स आते हैं, E3, E2 समथिंग आते हैं, इस मॉडल में आपका एरर नहीं दिखा रहा है, सिर्फ आके ये ब्लिंक हो रहा है। तो समझ लें कि सेंसर का इश्यू है। अब दोनों सेंसर को बदल सकते हैं क्योंकि ये इस मॉडल में देखा जाए दोनों सेंसर एक ही जैक में आ रहे हैं। अब लगाने के बाद देखा जाए तो ये जो ब्लिंक हो रहा था अब नहीं ब्लिंक हो रहा है, अब स्टेडी हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखा जाए तो एक आवाज़ सुने होंगे क्लिक करके, तब हमारा आउटपुट भी अब आ गया है। तो हमारा जो काम था पूरा हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय।